ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हमें एकांत में जाकर गहन चिंतन करना है। ये भाग्य बनाने के दिन, ये ईश्वरीय मौजों के दिन दोबारा कभी नहीं आएंगे। याद रह जाएंगी ये घड़ियां, याद आया करेंगे ये क्षण कि हम भगवान से मिलते थे, उसने हमारी प्यार से पालना की थी, उसने हमें बहुत वरदान दिए थे और कैसे कैसे हमने अपना संगम युग का सुंदर समय व्यतीत किया। सभी सोच लें, हम अपने संगम युग के इस अनुपम काल को कैसे बिता रहे हैं, ईश्वरीय मिलन में या मनुष्यों से बातें करने में, ईश्वरीय सुख लेने में या संसार की तृष्णाओं के पीछे दौड़ने में, व्यर्थ चिंतन में या बाबा की छत्र छाया की सर्वश्रेष्ठ अनुभूति में, टाइम वेस्ट करते हुए या प्रति पल अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाते हुए, याद रखें जो इस अमूल्य समय को सफल करेंगे, जो अपने को सर्व खजानों से भरेंगे, वही भगवान के काम आएंगे। उनके द्वारा ही इस संसार की महान सेवा होगी। तो हम सभी एक महान सेवा के लिए स्वयं को तैयार करें। हम दृष्टि के द्वारा सबकी सेवा करेंगे, हम अपने वाइब्रेशंस के द्वारा सबकी सेवा करेंगे, हम दो मीठे बोल बोल कर दूसरों को वरदानों की प्राप्तियों का अनुभव करा देंगे। ऐसा सुंदर समय हमारे द्वार पर आने वाला है, जब अनेक प्यासी आत्माएं, तड़फती आत्माएं, अशांत और दुखी आत्माएं हमारे पास आएंगी और याद रहे, हमारे द्वार से कोई खाली न जाए, हमारे द्वार से कोई निराश न जाए, हमारे द्वार से सब संतुष्ट होकर जाएं। जो जिस कामना और भावना से हमारे पास आए उसे वही प्राप्त हो जाए। ऐसी योग की शक्ति, ऐसी पवित्रता की शक्ति, ऐसी महान शक्तियां हमें स्वयं में धारण करनी है। विचार करें, कोई प्यासा व्यक्ति हमारे पास आया हो, हमारे द्वार पर खड़ा हो और कह रहा हो मुझे एक गिलास पानी पिला दो, नहीं तो मैं मरा जा रहा हूँ, और हम उसे पानी न पिला पाए और हमारे द्वार पर ही वो दम तोड़ दे, तो हमारी फीलिंग्स कैसी होंगी कि काश हम किसी का जीवन बचा पाते। ऐसा ही अनेक बार हमारे सामने होने जा रहा है। अनेक तड़फती आत्माएं हमारे द्वार पर आएंगी, हमें दृष्टि दे दो, हमारे कष्ट हर लो, हमारे ऊपर विघ्नों के पहाड़ टूट चुके हैं, हमारे विघ्न हर लो। और सोच लो, यदि हम उन्हें मदद न कर पाए तो हमारी मनोस्थिति कैसी होगी, हमें कितनी निराशा होगी कि काश जब भगवान भाग्य बांट रहा था हम भी सचेत रहे होते, काश जब वो सर्व खजाने हमें दे रहा था हमने भी अपनी बुद्धि रूपी झोली को व्यर्थ से खाली कर लिया होता, काश जब वो अपनी शक्तियां और वरदान हमें दे रहा था हमने भी अपने को एकाग्रचित बना लिया होता। तो बहुत सुंदर समय चल रहा है। समय को महत्व देने वाले इस संसार में बहुत महान बन जाएंगे, वे भगवान के काम आएंगे, वे चारों युगों के लिए हीरो एक्टर बन जाएंगे, वो विश्व के इतिहास में अलग अलग समय पर महान कार्य करने वाले होंगे, वो नामी ग्रामी पर्सनालिटी बन जाएंगी। ऐसा सुंदर भाग्य बनाने का समय चल रहा है। सभी सोच लें, इन क्षणों को हम कैसे बिता रहे हैं। तो आज सारा दिन इसी चिंतन में व्यतीत करेंगे और अभ्यास करेंगे बार बार, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं और मुझे संपूर्ण फरिश्ता बन जाना है।
अपने फरिश्ते स्वरूप को, संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे और बार बार उसे अपने में मर्ज करेंगे। ऐसा देखेंगे सामने मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है, धीरे धीरे चलकर मेरी ओर आता है और मुझ में समा जाता है और मैं बन गया संपूर्ण फरिश्ता। ओम शांति।